खुदरा महंगाई दर में फिर गिरावट आई है। इस महीने के लिए खुदरा महंगाई दर 4.25% पर जा पहुंची है, जो पिछले महीने यानी अप्रैल में 4.70% थी। राहत की बात यह है कि ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। महंगाई दर में कमी से सबसे ज्यादा राहत उन लोगों को मिल सकती है जो महंगी EMI से परेशान है। आने वाले दिनों में सस्ते कर्ज की उम्मीद बढ़ने लगी है, वहीं खाने के तेल समेत अन्य चीजों के दामों पर भी इसका असर होगा। करोड़ों राम भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 रखी गई है, जिसके लिए PM मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से न्योता भी भेज दिया गया है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। ट्विटर ने अपने गूगल क्लाउड के बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदे जाने से पहले ट्विटर ने स्पैम से लड़ने और खातों को सुरक्षित रखने के हिसाब से गूगल के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब मस्क की कंपनी ट्विटर ने गूगल को उसकी क्लाउड सर्विस के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है। और अगर इस बात में सच्चाई हुई तो 30 जून के बाद ट्विटर कंपनी के ट्रस्ट और सेफ्टी टीम के लोग मुसीबत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि ट्विटर अपने ग्राहकों को कुछ सर्विसेज अमेज़न और गूगल की क्लाउड सर्विस के जरिए देता है। इसमें मस्क की कंपनी ट्विटर खुद के सर्वर से कुछ काम नहीं करती है, बल्कि इन कामों के लिए वो दूसरों की सर्विस लेती है और इसके बदले में उन्हें पैसे देती है। शाहरुख खान ने बेटी सुहाना खान की अपकमिंग फिल्म द आर्चीज का नया पोस्टर शेयर किया है, साथ ही एक्टर ने पूरी टीम को ऑल द बेस्ट भी कहा। दरअसल सुहाना खान बहुत जल्द जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। हाल ही में इसका नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें सुहाना का रेट्रो लुक देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे याद है जब सैकड़ों साल पहले मैं छोटा था, तब आर्चीज डाइजेस्ट को एडवांस में ही किराए पर बुक कर लेता था। उम्मीद करता हूँ कि फिल्म में बिग मूव्स भी होगा। पूरी टीम को बहुत सारा प्यार और ऑल द बेस्ट।